आजमाइश में नाकाम होने का सबब बेसब्री और शिकायत। बहुत सारे लोग बेसब्रे होते, सब्र नहीं कर पाते, उनको फौरन चाहिए। जिस तरह कपड़ा बेचने वाला कपड़ा बेच के पैसा फौरन लेता है, वो कहते मैं मांगू फौरन मिलना चाहिए। तो गुनाह करते तो फौरन डंडे भी तो पड़ना चाहिए ना। आप अगर हराम खोरी करते हैं मार फौरन पड़नी चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहिए, सजा नहीं चाहिए फौरन। दुआ जो मांगते फौरन होना चाहिए। अल्लाह ताला बुखार ठीक कर, फौरन ठीक होना चाहिए, ये बंदा चाहता। बेसब्रे होते हैं, अल्लाह लड़का दे, लड़की लड़की हो रही है, बेसब्रे होते हैं, बीवी को मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं बेसब्रे, उनको सब्र नहीं होता है कि फौरन मिलना चाहिए। फौरन की उम्मीद में कितने सारे लोग फिसल जाते हैं। बहुत सारे लोग बेसब्रा होने की बिना पर आजमाइश में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला सबब जिसकी बिना पर लोग आजमाइश में नाकाम होते हैं वो क्या है? सब्र का ना होना। बेसब्रा, बेसब्रा बंदा, ऐसा बंदा जिसके अंदर सब्र ना हो, जो दुआ को चाहता बस फौरन मेरे लिए जन्नत बन जाए, फौरन मेरे लिए तमाम चीजें हो जाएं, वो सब कुछ यही चाहता है, तो ऐसा बंदा आजमाइश में नाकाम हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खब्बाब बिन आरत रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं, मुस्नद अहमद और बुखारी और अबू दाऊद जैसे कई सारे मकाम पर हदीस है। कहते हैं कान अर्रजुल قبلكم يؤخذ فيحفر له في الارض। आदमी बेसब्रा होता है और वो सोचता है कि फौरन से मिल जाए। एक मर्तबा सहाबे इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में से किसी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह की मदद कब आएगी? परेशान, तकलीफ, हर जगह तकलीफ पे तकलीफ, मदद कब आएगी? कब आएगी मदद? तब अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुमसे पहले कुछ लोग ऐसे भी गुजरे। रसूल के जुबान से जुमला सुने, तुमसे पहले कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं कि जिनको पकड़ा जाता था, ईमान की बिना पर पकड़ा जाता था, जमीन में घड़ा खोदा जाता था, जमीन में घड़ा खोदने के बाद उनको जमीन के अंदर उनका आधा जिस्म क्या कर दिया जाता था? गाड़ दिया जाता था। उसके बाद कुछ लोगों को क्या किया जाता था? उनके जिस्म पर आरी चलाई जाती थी, कुछ लोगों के जिस्म को उसके जरिए से एक गोश्त खींचने का एक वो होता है, जरिया होता है, आला होता है, उनके जिस्म को उस आले के जरिए से पूरा गोश्त निकाल लिया जाता था, सिर्फ हड्डी बाकी रहते थे। ऐसे लोग गुजरे हैं, तुम पर क्या परेशानी है? सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, माल में क्या परेशानी है तुम्हारे ऊपर? और हम अपने बारे में सोच लें, क्या परेशानी आती है मेरे भाई? अक्सर लोग रोना जो रोते हैं वो यही ना कि मेरे पास माल नहीं, उसके अलावा क्या रोना है, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, सिर्फ इतनी बिना पर अल्लाह से शिकायतें, अल्लाह की शिकायतें, इतनी मामूली सी चीज की बिना पर। हमसे पहले लोगों को तो जान से मार दिया गया, किसकी बिना पर? ईमान होने की बिना पर। ईमान हो, कितने सारे लोग आज दाढ़ी क्यों नहीं रख रहे हैं? कहीं मेरा नाम टेररिस्ट में ना आ जाए, इसी बात पर, इतनी सी बात पर, अल्लाह के खातिर, रसूल के खातिर, अल्लाह का जो हुक्म है, रसूल का जो हुक्म है, उसकी मुखालिफत है डर की बिना पर। एक मामूली सा आपका नाम, आप किससे डर रहे हैं? आप अल्लाह से डर रहे हैं या लोगों से डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? आपके दिल में किसका डर है, किसका खौफ है? अगर अल्लाह का खौफ एक मोमिन के दिल में होगा, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। तो उसके जिस्म को लोहे की कंघी के जरिए से उसके जिस्म का गोश्त निकाल लिया जाता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मदद आई और हाल क्या हुआ? वही लोग जो परेशान थे मक्का के अंदर और शुरू में आने के बाद मदीना के अंदर, बाद में कितना अमन अमान हुआ? बहुत ज़्यादा अमन अमान हुआ। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु की ज़िंदगी में कितनी परेशानी थी, मक्का के दौर उठा के आप पढ़ लें, सहाबा की ज़िंदगी, नबी की ज़िंदगी, कितनी तकलीफ़ें थी। तो आदमी जो आजमाइश में नाकाम होता है, उसका सबसे पहला सबब यह है कि वो बेसब्रा बन जाता है। आप बेसब्रे ना बने किसी भी चीज़ के अंदर। अब वो चीज़ें गिनाए जाएंगे तो बहुत बड़ी फहरिस्त हो जाएगी।